टोक्यो ओलंपिक में भारत के एक और पदक की उम्मीद जरूर टूट गई, लेकिन दिल नहीं टूटा। बुरी तरह से चोटिल होने के बावजूद सतीश कुमार विश्व चैंपियन बखोदीर जलालोव के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उतरे। उनका खून बहता रहा और वे लड़ते रहे। टोक्यो ओलंपिक के 10वें दिन रविवार को 91 किलोग्राम वर्ग के सुपर हैवीवेट बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के सतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सतीश की ये हार नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं थी और वे कई टांकों के साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरे थे। सतीश ने प्री क्वार्टर के मैच में इंजरी के बावजूद आज का मुकाबला विश्व नंबर एक के खिलाफ लड़ा और भारत नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि आज ओलंपिक में भारत के एक और पदक की उम्मीद जरूर टूट गई, लेकिन दिल नहीं टूटा। सतीश कुमार आज के मैच में जिस जज्बे के साथ रिंग में उतरे और लड़े, उसने सबका मन खुश कर दिया। बुरी तरह से चोटिल होने के बावजूद सतीश कुमार विश्व चैंपियन बखोदीर जलालोव के खिलाफ दाईं आंख के पास और ठोड़ी पर कई टांके लगवाकर रिंग में उतरे थे। तो दोस्तों, भारत के इस शेर के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिख देना।